है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस कैसे हैं आप सब भाई? मैं बढ़िया हूं और मैं हूं अभी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग की पार्किंग में मैं अभी खड़ा हुआ हूं, ये देखिए। और यहां भक्तों का आना शुरू हो गया है बाबा केदारनाथ के द्वार के लिए। और मैं भी रात को ही आ गया था सोनप्रयाग, पर मुझे एक बैड न्यूज़ मिली थी यहाँ पर कि अभी यात्रा रद्द कर रहे हैं अप्रैल तक, या सॉरी 5 मई तक या 30 अप्रैल तक यात्रा नहीं हो पाएगी, ऐसा सुनने में आया था कल। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि यात्रा कैंसिल हो गई है, स्थगित हो गई है 10 दिनों के लिए। पर अभी अभी का अपडेट ये आया है कि भाई देखिए, ऊपर मौसम हो गया साफ, कुदरत कहते हैं ना भोले की माया, भोले ने देखा इतने मेरे भक्त आ रहे हैं और भाई ये कहाँ जाएंगे, मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, इतना रास्ता तय करके आते हैं कोई दिल्ली से, और भाई यहाँ तो नागपुर से, महाराष्ट्र से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, काफ़ी श्रद्धा से आए हुए हैं बेचारे, और काफ़ी साधु संत भी आए हुए हैं, देखिए मेरे पीछे यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक, और वहाँ चल रहा है विशाल भंडारा, रजौरी गार्डन दिल्ली वालों का भंडारा है ये, 5वां विशाल भंडारा है ये। और गाइस आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है, खुशखबरी है ये उन भगत जनों के लिए, उन सेवकों के लिए जो आना चाहते हैं बाबा केदार के द्वार, उनके लिए खुशखबरी ये है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया है। देखिए धूप निकल रही है चेहरे पर, आपको मेरे फेस पर धूप निकाल दिखाई दे रही होगी, यही धूप कल नहीं थी, कल कोहरा जमा हुआ था और भाई ऊपर वहाँ बर्फबारी चल रही थी काफ़ी, तो अब जाके मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये देखिए धूप आ रही है, और यहाँ पे प्रशासन ने और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि शायद 25 तारीख को जो डेट है उसी डेट पे शायद खुल जाए, 50% चांस है अभी बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी स्नो काफ़ी पड़ी हुई है बाबा के दरबार में, तो वहाँ स्नो क्लियर करवा रहे हैं, अगर वहाँ स्नो क्लियर हो गई तभी यहाँ से लोगों को छोड़ेंगे दर्शन के लिए, जो जत्था जाएगा पहला उनको छोड़ेंगे, और भैया फिर हम दर्शन कर पाएंगे हमारे महादेव भोले बाबा के, दर्शन के लिए आए हुए हैं तो भाई दर्शन तो कर जाएंगे ना। कल रात को मैं बहुत मायूस हो गया था कि शायद दर्शन ना कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है कि 10 दिन का वेट करना काफ़ी दुख की बात होती है, 10 दिन कहाँ रहे इंसान, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, ठंड का मौसम है, यहाँ ठंड है भाई, चाहे दिल्ली या जो आप नीचे के शहरों में रहते होंगे वहाँ गर्मी है, पर यहाँ अच्छी खासी ठंड है। ये देखिए मेरे कपड़े देख के, ये सब देख के आपको पता लग गया होगा कि यहाँ ठंड है, पर अभी भी धूप निकली है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि शायद हम दर्शन कर पाएँ हमारे महादेव के। और भाई आपको ये अपडेट देनी ज़रूरी थी, और आपको एक बात और ज़रूरी बताता हूँ गाइस, अभी एक अपडेट और आई है, जो बाबा की डोली है पंचमुखी डोली वो निकल पड़ी है, और वो आ रही है गौरीकुंड, सॉरी फाटा से आ रही है, वो फाटा से आ रही है गौरीकुंड के लिए, तो इसी रास्ते से देखिए मेरे पीछे जो आप ये रास्ता देख पा रहे होंगे, इसी रास्ते से होते हुए वो यहाँ, ये देखिए इसी रास्ते से होते हुए वो यहाँ गौरीकुंड तक जाएगी, पार्किंग से सीधा वहाँ जाएगी गौरीकुंड, और गौरीकुंड में भैया वो रहेगी आज और कल, शायद मॉर्निंग में निकल जाएगी बाबा केदार के द्वार के लिए, क्योंकि हम भी डोली के साथ जाने की सोच रहे हैं, अगर टाइम मिला और अगर सब कुछ ठीक रहा और अलाउ किया तो हम भी आपको दर्शन कराएंगे पंचमुखी केदार बाबा की डोली के। और भाई आप बने रहिएगा हमारे साथ, और आपको गाइस एक नॉलेज और दे दूं, अगर आप आ रहे हैं तो अच्छे खासे गर्म कपड़े लेके आएं भाई, यहाँ ठंड है, यहाँ काफ़ी ठंड है भाई, और गर्म कपड़े लेके आएं, अपने शॉक्स, अच्छी एक कैप लेके आएं ताकि आपके कान ढक सकें, क्योंकि आगे और इससे ज़्यादा है, देखिए यहाँ होठ फट रहे हैं, स्किन फट रही है, ठंड इतनी थी रात को, ये सोनप्रयाग का हाल है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर अभी दूर है बाबा का द्वार, तो वहाँ क्या हाल होगा, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल काफ़ी हो रही है, लगातार हो रही है, और वहाँ पे जो मिलिट्री के लोग हैं वो उसको हटा रहे हैं बार बार, रास्ता क्लियर कर रहे हैं ताकि हम जैसे श्रद्धालु जो इतने लोग देखिए आए हुए हैं, पूरी पार्किंग फुल होने वाली है अभी, ये देखिए, ये देखिए, और काफ़ी पार्किंग ऊपर है उस साइड में, वहाँ भी फुल हो चुकी है पार्किंग, आपको बता दूँ बाबा के चाहने वाले, बाबा को मानने वाले इतने हैं कि भैया भर भर के लोग आ रहे हैं, लोगों को पता है कि वहाँ इतनी परेशानी हो रही है, वहाँ बर्फबारी हो रही है, वहाँ पे रास्ता कपाट खुलने के भी चांस थोड़े कम हो रहे थे, पर लोग फिर भी है ना अपने बाबा को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, भाई जैसे ही पता लगता है कि बाबा केदार के द्वार खुलने वाले हैं, लोग भर भर के दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, कहाँ कहाँ से मुझे लोग मिले हैं यार, और काफ़ी लोग तो भाई पैदल आ रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊँगा आपको, अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, एक और जितने भी भगत यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ भंडारे की कोई कमी नहीं है, देखिए यहाँ से बाबा का भंडारा पूरे रास्ते होने वाला है, आपको जगह जगह भंडारा देखने को मिलेगा बाबा का, और यहाँ काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, तो भैया आप आ सकते हैं यहाँ पे,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, पर ये ध्यान रखें अगर आप आ रहे तो गर्म कपड़े लेके आएँ, क्योंकि वहाँ जहाँ बाबा केदार का द्वार है वहाँ काफ़ी ठंड है। और तो गाइस आपको एक बात और बता दूँ, और जो यहाँ से 100 या 150 किलोमीटर दूर पर बद्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ रात से स्नोफॉल हो रही है, ऐसा अपडेट हमें पता लगा, जो लोग आए हैं वहाँ से वो बता रहे हैं कि वहाँ स्नोफॉल हो रही है। वहाँ भी चलेंगे, बाबा बद्रीनाथ की भी आपको दर्शन कराएंगे, पहले केदारनाथ कर लेते हैं फिर हम आपको बाबा बद्रीनाथ के द्वार लेके चलेंगे। पर यार बने रहिएगा, और यार अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तो मैं सोनप्रयाग पहुँचा हूँ अपडेट देने के लिए, पर जो मेरे जो इससे जो पुराने वीडियो हैं जो मैं हरिद्वार से यात्रा शुरू की, कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आप रेंट पे ले सकते हैं बाइक, कितना रेंट है बाइक का, और रास्ते कैसे हैं भैया आप आ सकते हो नहीं आ सकते हो, वो पूरी जानकारी मैंने जो इससे पीछे मेरे जो वीडियो आएंगे उनमें दी हुई है। ये तो मैंने आपको अपडेट के लिए वीडियो बनाई है ताकि अगर आप यहाँ पर आए तो आपको पता लग जाए कि भाई यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन जो इससे पुरानी जो मेरी वीडियो होंगी वो होगी हरिद्वार से जब मैं आ रहा हूँ, स्कूटी मैंने रेंट पे कितने की ली और क्या क्या खर्चा हुआ, कितना मेरा पेट्रोल लग गया, ये सारी जानकारी उनमें होगी, कितना पेट्रोल लगा, कितना स्कूटी का मेरा रेंट का खर्चा लगा, और यहाँ तक आने में क्या क्या परेशानियाँ हुई, कहीं रोका तो नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ चेक होगा नहीं होगा, ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इससे अगली जो वीडियो होगी शायद उसमें मैं आपको पंचमुखी केदार बाबा की जो डोली आ रही है उसके दर्शन करवाऊँगा। तो बने रहिएगा यार, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद आप ये सब कुछ देख पाएंगे, और हम अगर केदारनाथ द्वार जा पाए आज या कल में हम पहुँच पाए बाबा के द्वार दरबार में, कपाट खुलने से पहले पहुँच पाए तो भाई मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। बहुत खुशकिस्मत होंगे अगर आप कपाट खुलने के टाइम पर उस वीडियो को देख पाए, बाबा के दर्शन कर पाए, घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई रास्ते काफ़ी दुर्लभ है कि बहुत ज़्यादा कठिन रास्ते हैं, आसान नहीं है, चाहे आप ट्रेन से आएँ, चाहे अपनी बाइक से आएँ, चाहे आप अपने व्हीकल से आएँ, चाहे कार से आएँ, भाई दिक्कत तो होती है, मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं, पर कोई नहीं, बाबा के दरबार आने से खुशी इतनी मिलती है कि वो दिक्कतें सब खत्म हो जाती हैं। जय महाकाल, जय बाबा केदार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।